हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम यहां पे बात करने वाले हैं हाउ टू पास डेटा फ्रॉम वन JS फाइल टू अनदर JS फाइल इन Node.js। ये हमारा आज पार्ट नंबर 4 है, जिसके अंदर हम Node.js के अंदर बात करने वाले हैं कि एक फाइल का डेटा हम दूसरी फाइल में, मतलब एक जावास्क्रिप्ट फाइल का डेटा हम दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर किस तरह से पास करते हैं Node.js के थ्रू, इसको हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। और भाई, यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल्स का, मतलब मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके हम ये वाला काम करेंगे। भाई देखो, ये वाला काम हम सिंपल जावास्क्रिप्ट में भी करके आए हैं, लेकिन वहाँ पे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कीवर्ड्स यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। मतलब Node.js के अंदर अगर आपको फाइल्स का डेटा, एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल में पास करना है, तो यहाँ पे हम वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते, बल्कि यहाँ पे हम मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस Node.js से रिलेटेड मैं अपने इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई, यहाँ पे देखो, हाउ टू पास डेटा फ्रॉम वन जावास्क्रिप्ट फाइल टू अनदर फाइल इन Node.js, इसके अंदर जो हम मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो मॉड्यूल्स को सबसे पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मॉड्यूल्स को समझाने से पहले एक सिनेरियो आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, उसको समझो, फिर आपको मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इन Node.js फाइल एनी फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड इन अ फाइल एंडिंग विद .js इज अ मॉड्यूल, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि Node.js के अंदर जो भी आप फाइल बनाते हो, जिसकी एक्सटेंशन आप एंड में .js लगाते हो, इसका मतलब उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, तो ऐसी फाइल आपके पास Node.js के अंदर क्या कहलाती है, मॉड्यूल कहलाती है। मतलब मॉड्यूल कुछ भी नहीं है, सिंपल एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, और उस फाइल की जो एक्सटेंशन है वो क्या है, .js। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने एक फाइल बनाई थी main.js, तो उसके एंड में हमने एक्सटेंशन क्या यूज़ की थी, .js। तो इस तरह की सारी फाइल्स आपके पास क्या कहलाती है, मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अ मॉड्यूल कैन कंटेन डेफिनेशंस ऑफ फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स दैट कैन बी रेफरेंस्ड और यूज्ड इन अनदर जावास्क्रिप्ट फाइल। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका मॉड्यूल फाइल है ना, .js वाली जो फाइल है, उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस भी बना सकते हैं, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स, सब कुछ बना सकते हैं। तो ये जो मॉड्यूल फाइल होगी और इसके अंदर जितना भी डेटा होगा, जितनी भी चीज़ें यूज़ होंगी, उसको हम एक दूसरी जावास्क्रिप्ट फाइल, मतलब एक दूसरे मॉड्यूल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास मॉड्यूल का, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन योर एप्लीकेशन स्टार्ट्स गेटिंग लार्जर, मतलब जब आपकी जो एप्लीकेशन है, जब आप उसके अंदर कोड ज़्यादा करते हो, तो जब आपकी एप्लीकेशन बड़ी होती जाती है, तो उस केस में क्या होता है, मेंटेनिंग अ सिंगल फाइल बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क। मतलब वो जो सिंगल फाइल है जिसके अंदर आप कोड किए जा रहे हो, उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, इट इज़ ईजी टू गेट लॉस्ट इन द कोड बेस एंड लॉस्ट ट्रैक ऑफ वॉट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड इज डूइंग। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि आप अपने कोड के अंदर खो जाते हो, और जो आपका फोकस है वो वहाँ पे लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे पता नहीं चलता कि कौन सा कोड कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो ये मुश्किल पेश आती है इस सिनेरियो के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, टू मेक इट ईजियर टू मेंटेन, रीयूज एंड ऑर्गेनाइज कोड, यू नीड टू स्प्लिट द कोड इनटू मल्टीपल फाइल्स। मतलब यहाँ पे कह रहा है, इस सिचुएशन को आसान बनाने के लिए, इसको रीयूज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, आप क्या करते हो, अपने कोड को स्प्लिट कर देते हो, तोड़ देते हो, किसके अंदर, मल्टीपल फाइल्स के अंदर। मतलब एक फाइल के अंदर बहुत सारा कोड था ना, आप सारा कोड अपना एक फाइल में नहीं रखो, बल्कि उसे अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर, अलग अलग जावास्क्रिप्ट फाइल्स के अंदर क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो कह रहा है, ये वाला जो प्रोसेस है, इसको क्या कहा जाता है, मॉड्यूलराइजेशन। इसका मतलब जब आप अपनी सिंगल फाइल का कोड मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फाइल्स के अंदर स्प्लिट करते हो, मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स बनाते हो हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलराइजेशन। और ये जो वर्ड है, ये किससे निकला है, मॉड्यूल से निकला है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ईच मॉड्यूल कंटेन्स फंक्शंस और क्लासेस दैट हैंडल अ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर मॉड्यूल एक अलग फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब
हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हम जो फंक्शंस और क्लासेस बनाते हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को क्या करती है, टारगेट करती है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, फंक्शंस इन वन मॉड्यूल कैन बी इंपोर्टेड एंड कॉल्ड इन अदर मॉड्यूल, सेविंग यू फ्रॉम हैविंग टू कॉपी फंक्शन डेफिनेशंस इनटू द अदर फाइल्स। मतलब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि जो एक मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस होते हैं ना, हम उन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब एक जगह से हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरा उसको इंपोर्ट करेगा। तो इस केस में फायदा क्या होता है कि हमें वो जो हमारा कोड होता है ना, फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होती हैं, उनको कॉपी करके हमें दूसरे मॉड्यूल्स के अंदर, मतलब दूसरी जावास्क्रिप्ट फाइल्स के अंदर कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक तो ये इसका एडवांटेज है। ठीक है, फिर यहां पे देखो, अ मॉड्यूल कैन बी एडिटेड और डीबग्ड सेपरेटली, मेकिंग इट इजियर फॉर यू टू एड और रिमूव न्यू फीचर्स। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो मॉड्यूल होते हैं ना, जाहिर बात है हर टास्क के लिए हमने एक सेपरेट मॉड्यूल बनाया, सेपरेट जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है, तो उसको एडिट करना, डीबग करना ज्यादा आसान होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन के अंदर नए फीचर्स ऐड भी कर सकते हैं, पुराने फीचर्स रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ पे मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अब हम इस ट्यूटोरियल के अंदर मतलब प्रैक्टिकली क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो, क्रिएटिंग एंड एक्सपोर्टिंग अ मॉड्यूल। मतलब हम एक मॉड्यूल बनाएंगे सिंपल सा और उसको एक्सपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, और एक्सपोर्ट करवाने के बाद उसी मॉड्यूल को हम किसी दूसरी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर इंपोर्ट करवा के उसका डेटा यूज करेंगे। ठीक है, फिर देखो, एक्सपोर्टिंग मल्टीपल फंक्शंस एंड वैल्यूज फ्रॉम अ मॉड्यूल। मतलब हम क्या करेंगे कि मल्टीपल फंक्शंस को भी हम एक फाइल से एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरी फाइल के अंदर इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, फंक्शंस भी और इसके साथ साथ वैल्यूज भी, मतलब वेरिएबल्स भी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल फ्रॉम अ डायरेक्टरी। इसका मतलब अगर हमारा कोई मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट फाइल किसी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है, फोल्डर के अंदर मौजूद है, तो वहां से उसको किस तरह से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब उसका पाथ किस तरह से देंगे, ये भी इसी लेक्चर में देखेंगे। और फिर यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। लेकिन भाई देखो, ये जो टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स है ना, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, मतलब एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि अगर टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स भी इसी लेक्चर में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। और उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, मॉड्यूल्स आर क्रिएटेड इन Node.js बाय क्रिएटिंग अ जावास्क्रिप्ट फाइल। मतलब मॉड्यूल अगर हमें बनाना है तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल हमें एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है और उसी को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एवरी टाइम यू क्रिएट अ न्यू फाइल विद Node.js एक्सटेंशन इट बिकम्स अ मॉड्यूल। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जब भी आप कोई एक न्यू फाइल बनाते हो, ठीक है, कौन सी एक्सटेंशन के साथ, Node.js एक्सटेंशन के साथ, तो आप उसको जावास्क्रिप्ट फाइल भी कह सकते हो, वो एक्चुअल में एक मॉड्यूल भी होता है। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे देखो, लेट्स राइट आर फर्स्ट मॉड्यूल। मतलब अब हम अपना एक पहला यहाँ पे मॉड्यूल लिखते हैं। वी विल स्टार्ट बाय क्रिएटिंग टू फंक्शंस टू डू सिंपल कैलकुलेशंस। मतलब हम यहाँ पे एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर दो फंक्शंस बनाएंगे सिंपल से, एक हम बनाएंगे ऐड के लिए और दूसरा हम बनाएंगे सबट्रैक के लिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक मॉड्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हमने अपना एक फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट किया था, तो वहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया था Node.js प्रोजेक्ट्स के नाम से, और उसके अंदर एक main.js के नाम से मैंने एक फाइल बनाई थी, और उसके अंदर सिंपल सा कोड यहाँ पे हमने लिखा था और उसको अपने टर्मिनल में रन किया था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी फोल्डर के अंदर एक दूसरी फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको एक आइकन नजर आ रहा होगा न्यू फाइल का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इस फाइल का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ library.js। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि एक मॉड्यूल का डेटा मैं दूसरे मॉड्यूल के अंदर पास करूंगा, मतलब एक जावास्क्रिप्ट फाइल का डेटा मैं दूसरी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर पास करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने बनाया लाइब्रेरी, तो इसके अंदर मैं वो दो फंक्शंस बनाऊंगा जिसकी मैंने स्लाइड्स में बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम यहाँ पे रखता हूँ ऐड। ठीक है, यहाँ पे आ गई इसकी बॉडी, और इसके अंदर मैं यहाँ पे दो पैरामीटर्स बनाता हूँ, ए और बी, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसी ए और बी को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनका प्लस यहाँ पे रिटर्न करवाऊंगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का जो भी सम होगा वो यहाँ पे हमें रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, फिर सेम इसी तरह मैं यहाँ पे सबट्रैक के लिए एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबट्रैक, और सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस की जगह मैं माइनस लगा दूंगा। ठीक है, सही है, तो इसको कंट्रोल एस करके मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो अब देखो, ये दो फंक्शंस तो मैंने बना लिए, अब अगर मैं इसको अपनी इस फाइल के अंदर यूज़ करना चाहूँ, कौन सी फाइल, main.js। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो कोड था इसको मैं कंट्रोल ए करके रिमूव कर देता हूँ, और अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, res इस वेरिएबल का नाम रखता हूँ, और इसके अंदर ये जो मैंने मेथड यहाँ पे बनाया है ना, कौन सा, ऐड वाला,
ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है ये वाला। अब मैं इसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे वैल्यूज पास कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10.5, ठीक है सही है। तो 10 कहाँ पे चला जाएगा, ए में चला जाएगा, और बी में क्या चला जाएगा, 5। तो यहाँ पे 10 और 5 का प्लस मुझे मिल जाएगा 15, ठीक है। तो इसका रिजल्ट मैंने यहाँ पे res के अंदर पास कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आपको करके दिखाऊँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करते हैं और इसके अंदर मैं ये res वाला वेरिएबल पास कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं और टर्मिनल में आते हैं और अब अपनी इस फाइल को रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं नोड लिखता हूँ, ठीक है, फिर डॉट बैक स्लैश और मेरी फाइल का क्या नाम है, main.js, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको एंटर करता हूँ। तो भाई देखो, जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे देखो आ रहा है एरर। और एरर क्या आ रहा है, इसको पढ़ो, क्या कह रहा है, एड इज नॉट डिफाइंड। एड मतलब ये वाला जो फंक्शन है जिसको आप कॉल कर रहे हो, ये आपके इस मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड नहीं है। क्योंकि देखो ये वाला जो फंक्शन है ना, ये यूज कर रहा हूँ ना, अभी तक मैंने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करवाया, और एक्सपोर्ट करवाने के बाद इस वाली फाइल के अंदर main.js के अंदर मैंने उसको इम्पोर्ट नहीं किया। तो मतलब यहाँ पे मुझे दो काम करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सपोर्टिंग अ मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, गो टू द एंड ऑफ द फाइल lib.js। lib.js किसे कह रहा है, वो जो library.js वाली फाइल अभी हमने बनाई ना। तो यहाँ पे कह रहा है आपने उस फाइल के अंदर जाना है और वहां पे एक लाइन ऐड करनी है, और वो लाइन क्या है, module.exports, और फिर यहाँ पे इज इक्वल, फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर अपने फंक्शन का नाम। ये वाली जो लाइन है, ये आपने कहाँ लिखनी है, हमारी वो जो library.js वाली फाइल है ना, उसके अंदर लिखनी है। इससे क्या होगा कि हमारे जो ऐड फंक्शन है ना, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। कहाँ एक्सपोर्ट हो जाएगा, जिस फाइल के अंदर हम इसे इम्पोर्ट करेंगे वहां पे ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो ये देखो, हम चलते हैं अपनी library.js में, और क्या कह रहा था, सबसे एंड में, याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी लाइब्रेरी की जो फाइल है उसके सबसे एंड में आपने यहाँ पे module.exports, ठीक है, और फिर इज इक्वल, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन करना है, सेमी कोलन से इसको बंद करना है, और जो हमारा फंक्शन है उसका क्या नाम है, ऐड। मतलब यहाँ पे आपको पेरेंथीसिस देने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम पास करना है कर्ली ब्रैकेट में, और इस तरह से इसको एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो भाई देखो, एक्सपोर्ट तो हो गया, लेकिन अभी भी अगर मैं यहाँ पे आके अपनी ये फाइल दोबारा रन करूँ, देखो टर्मिनल में आता हूँ, दोबारा यहाँ पे यही वाली कमांड यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो देखो अभी भी एरर आएगा, देख रहे हो, अभी भी वही सेम एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो डेटा यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है ना, उसको मुझे यहाँ पे इम्पोर्ट भी करना है। जब तक इम्पोर्ट नहीं करूँगा, वो डेटा मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो अब इसको इम्पोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये तो हो गया एक्सपोर्ट। अब आगे आ जाओ, इम्पोर्टिंग अ मॉड्यूल इन Node.js, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, टू इंक्लूड फंक्शंस डिफाइंड इन अनदर फाइल इन Node.js वी नीड टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल। मतलब अगर किसी दूसरी फाइल का डेटा हमें किसी एक फाइल के अंदर यूज करना है, तो हमें उस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखो, वी विल यूज द रिक्वायर कीवर्ड एट द टॉप ऑफ द फाइल। मतलब जिस फाइल के अंदर हम कोई दूसरा डेटा यूज करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना है, टॉप पे उस फाइल के अंदर रिक्वायर का कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। और फिर देखो क्या कह रहा है, द रिजल्ट ऑफ रिक्वायर इज देन स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। मतलब देखो, रिक्वायर कीवर्ड के अंदर ना हम उस फाइल का पाथ देते हैं जिस फाइल के अंदर का डेटा हम यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। रिक्वायर की मदद से हम उसका डेटा क्या करेंगे, दूसरे मॉड्यूल से फेच करेंगे और फिर उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, विच इज यूज टू इन्वोक द फंक्शन यूजिंग द डॉट नोटेशन। मतलब रिक्वायर कीवर्ड की वजह से हम फाइल से डेटा फेच करेंगे, ठीक है, उसे एक वेरिएबल में डालेंगे और इस वेरिएबल के साथ मैं डॉट ऑपरेटर यूज करूंगा और उस मॉड्यूल के अंदर जो जो फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको मैं यूज कर पाऊंगा, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो इसका डेमो देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये वाली फाइल है ना, इसके अंदर मुझे अपनी library.js वाली फाइल को इम्पोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ const, और इसका नाम यहाँ पे मैं रख देता हूँ वेरिएबल का lib, मतलब लाइब्रेरी। और यहाँ पे देखो, मैं रिक्वायर का कीवर्ड यूज करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो, अब मैं अपनी फाइल का नाम पास करूंगा, ठीक है। किस तरह से पास करूंगा, यहाँ पे देखो, पहले डॉट, फिर फॉरवर्ड स्लैश, और फिर यहाँ पे देखो लाइब्रेरी। VS कोड ने हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंट दे दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको एंटर कर दो। देखो, आप डायरेक्ट यहाँ पे लाइब्रेरी भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप पूरा लिखना चाहो यहाँ पे library.js, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों केसेस में ये काम करेगा, ठीक है। तो देखो, इसका जो भी रिजल्ट था वो हमने lib के एक वेरिएबल के अंदर गेट कर दिया। और अब देखो, अब ये जो ऐड का फंक्शन है, ये बेसिकली इस lib के अंदर है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो, इस ऐड से पहले मैं यहाँ पे ये lib लगाऊंगा और फिर डॉट नोटेशन यहाँ पे यूज करूंगा, देख रहे हो, मतलब lib.add, क्योंकि अब ये जो ऐड का फंक्शन है, ये मैंने रिक्वायर की मदद से कहाँ पे गेट कर लिया, इस lib वाले वेरिएबल के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है।
तो अब अगर मैं यहाँ पे आके अपनी इस फाइल को रन करूँ तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। टर्मिनल में चलते हैं, सबसे एंड में अप एरो की करते हैं, यही वाली कमांड आ जाएगी और यहाँ पे आके अब मैं इसको एंटर करता हूँ। तो ये देखो जैसे ही मैंने एंटर किया क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास, 15, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने 10 और 5 पास किया था ना अपने इस वाले फंक्शन को, तो इसने हमें क्या रिजल्ट रिटर्न किया, 15, और उसी रिजल्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, कंसोल डॉट लॉग करवा के आपको दिखाया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखो अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जावास्क्रिप्ट में जिस तरह से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कीवर्ड यूज करते थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब रिएक्ट में जो आप काम करके आए हो, ठीक है, उससे भी थोड़ा सा ही क्या है, डिफरेंट है। तो नोड जेएस के अंदर यही तरीका फॉलो होता है, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी भी लेक्चर कंटिन्यू हमारा, आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सपोर्टिंग मल्टीपल फंक्शंस एंड वैल्यूज, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, देयर आर अ कपल ऑफ वेज टू एक्सपोर्ट मल्टीपल फंक्शंस एंड वैल्यूज विद मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। मतलब देखो अभी मैंने आपको एक तरीका बताया ना जिसके अंदर मैंने अपनी वो जो लाइब्रेरी डॉट जेएस वाली फाइल थी उसके एंड में मैंने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स लिखा और कर्ली ब्रैकेट देके अपने फंक्शन का नाम पास कर दिया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास मल्टीपल वेज हैं इस काम को करने के, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, अपनी लाइब्रेरी डॉट जेएस वाली फाइल में चलते हैं और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल भी बना लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट नम और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 30, ठीक है। मतलब अब तीन हमारे पास चीज़ें हैं इस लाइब्रेरी डॉट जी एस फाइल के अंदर। तो अगर मैं इन तीनों को एक्सपोर्ट करवाना चाह रहा हूँ अपनी मेन डॉट जी एस के अंदर तो किस तरह से करूँगा, यहाँ पे देखो अभी मैंने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के अंदर सिर्फ ऐड वाला फंक्शन पास किया है ना, मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे अपना ये सबट्रैक का फंक्शन भी पास कर देता हूँ और पे कॉमा लगा के जो मैंने वेरिएबल बनाया है जिसका मैंने नाम क्या रखा है नम, इसको भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अपने इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। तो अब अपने कोड को सेव करते हैं कंट्रोल एस और अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी मैं इसको गेट कैसे करूँगा, देखो देखो मैं ये वाला कोड सारा यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर देखो LIB ये जो वेरिएबल है, फिर डॉट ऐड, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं 10 पास करता हूँ और यहाँ पे 20 पास करता हूँ, ठीक है। तो ये तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा किसका, ऐड फंक्शन का। इसी तरह मैं इसको नीचे कॉपी करता हूँ। अब लिप के अंदर हमारे पास एक और फंक्शन भी है जिसका क्या नाम है, सबट्रैक, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे देखो पहले मैं 10 पास करता हूँ और दूसरे में यहाँ पे 5 पास करता हूँ, ठीक है। और फिर हमारे पास एक वेरिएबल भी था इसके अंदर, ठीक है, लिप के इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे हमने एक वेरिएबल भी पास किया हुआ है जिसका क्या नाम है नम, ठीक है। तो तीनों का रिजल्ट अब हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके अपने इस एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं, नोड मेन जीएस, ठीक है, यहाँ पे आके एंटर करते हैं। तो ये देखो एडिशन का रिजल्ट 30, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट 5 और यहाँ पे देखो नम के अंदर मैंने क्या पास किया था, 30, नम के अंदर 30 पास किया था, चेक कर लेते हैं, हाँ 30 पास किया था। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सही तरह से हमें यहाँ पे रिजल्ट ये डिस्प्ले करवा रहा है। तो भाई देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो हम एक्सपोर्ट करवा रहे हैं ना इस तरह मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स की मदद से, इसके मल्टीपल तरीके हैं। एक तो तरीका मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ एक दूसरा तरीका, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये वाली लाइन में यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो ये वाला कोड भी मैं सारा यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, अच्छा ये मॉड्यूल लिखना है मुझे यहाँ पे, गलती से आ गया ये, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स मैंने यहाँ पे लिखा और उसके बाद इज इक्वल देता हूँ और अब इसकी मैं यहाँ पे बॉडी बना देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे इसकी बॉडी बना दूंगा और अब इसके अंदर मैं वो फंक्शंस बनाऊंगा, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो ऐड ऐड और उसके बाद यहाँ पे मैं कोलन लगाऊंगा, फिर देखो फंक्शन और यहाँ पे फंक्शन के जो पैरामीटर्स थे वो मैं इस तरह से बनाऊंगा, इसकी बॉडी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं A, B, ठीक है, सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है, इसको देख लेना और फिर उसके बाद रिटर्न और उसके बाद यहाँ पे A+B, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखो मैंने पास किया और देखो ये जो ऐड का फंक्शन है इसका जो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है इसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है, ठीक है। मैं इसी लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। दूसरा फंक्शन मुझे यहाँ पे बनाना है सबट्रैक, ठीक है, सबट्रैक बनाया और यहाँ पे जस्ट मुझे प्लस की जगह क्या पास कर देना है माइनस, और दोबारा यहाँ पे देखो मैंने सबट्रैक के एंड में कॉमा लगाया और उसके बाद अब मैं वेरिएबल बनाता हूँ। तो वेरिएबल के लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ पे आप नम कोलन और उसके बाद वैल्यू पास कर दो, फॉर एग्जाम्पल 40, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, एक मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का मतलब जो जो डेटा मुझे एक्सपोर्ट करना है वो सारा डेटा यहाँ पे मैंने इसके स्कोप के अंदर, मतलब मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के स्कोप के अंदर बॉडी के अंदर उसको रख दिया। इसका मतलब ये सारा डेटा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। और देखो इसको मैं इम्पोर्ट तो ऑलरेडी कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रिंट भी करवा रहा हूँ,
तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना, सिंपल अपने टर्मिनल में जाना है और यहाँ पे जो मेरी फाइल थी उसको रन करना है नोड के साथ। यहाँ पे आके एंटर करते हैं तो रिजल्ट देखना। तो ये देखो दोबारा बिल्कुल सही तरह से रिजल्ट आपके पास आ रहा है, कोई इशू नहीं है। तो ये इसका दूसरा तरीका है इसको एक्सपोर्ट करने का, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तो देखो तीसरे तरीके में हम क्या करेंगे, देखो ये वाला कोड मैं यहाँ पे सारा कमेंट आउट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके कमेंट आउट करते हैं। और अब यहाँ पे देखो, देखो अब मैं हर फंक्शन के लिए, हर वेरिएबल के लिए एक सेपरेट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स बनाऊंगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट और यहाँ पे मैं कहता हूँ ऐड, ठीक है। और उसके बाद देखो इज इक्वल और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसकी आ गई बॉडी, सही है। और इसके अंदर उसी तरह मैं पास करता हूँ ए कॉमा बी और उसके बाद इसके अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ ए प्लस बी, ठीक है। मतलब अब मैंने अपने ये ऐड फंक्शन के लिए सेपरेट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स बनाया है, मतलब आप चाहो तो सेपरेटली भी बना सकते हो। तो फिर देखो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट के लिए भी बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसका नाम अब मैं यहाँ पे रखता हूँ सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्लस की जगह यहाँ पे माइनस कर देना है, ठीक है। और फिर सेम इसी तरह यहाँ पे देखो मैं ये दो चीज़ें यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। वेरिएबल का नाम था ना, वेरिएबल का नाम नम और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 50, सही है। तो ये तीसरा तरीका है जिसको आप इस तरह से सेपरेटली मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी भी ये डेटा सारा एक्सपोर्ट हो रहा है और यहाँ पे देखो मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो दोबारा मुझे कुछ भी नहीं करना, नोड के साथ अपनी इस फाइल को रन करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आके एंटर करते हैं तो ये देखो दोबारा बिल्कुल सही तरह से आपको रिजल्ट शो हो रहा है। इस दफा मैंने नम के अंदर 50 पास किया था तो यहाँ पे देखो 50 शो हो रहा है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, सही। अब यहाँ पे देखो आगे, अब देखो हमारे पास इसी के अंदर एक सिंटैक्स होता है जिसको हम कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। भाई अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या होता है, क्या कह रहा है, यू कैन ऑल्सो यूज द डीस्ट्रक्चरिंग सिंटैक्स टू अनपैक द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न बाय द रिक्वायर एंड स्टोर देम इन वेरिएबल्स। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न हो रहा है ना, मतलब आप रिक्वायर की मदद से जो डेटा फेच कर रहे हो। अब देखो मैं जो डेटा फेच कर रहा हूँ वो तीन डेटा है बेसिकली, दो फंक्शंस हैं और एक वेरिएबल है। तो इन तीनों को मैं क्या करूँ, रिक्वायर के थ्रू गेट करूँ और तीन वेरिएबल्स के अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ। किस तरह से, यहाँ पे देखो, ये देखो अभी तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ ना, मतलब अभी यहाँ पे मैं इंपोर्ट किस तरह से कर रहा हूँ, रिक्वायर्ड का कीवर्ड यूज किया और इसका जो सारा डेटा है वो मैंने अपने इस लिब के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर लिया। और फिर लिब के साथ मैं ऐड का फंक्शन भी कॉल कर रहा हूँ, लिब के साथ मैं सब्ट्रैक्ट और लिब के साथ मैं नम का वेरिएबल भी कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। देखो ये वाली लाइन में यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और अब मैं तीन वेरिएबल्स बनाऊंगा, एक बनाऊंगा ऐड, दूसरा बनाऊंगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट और तीसरा यहाँ पे बनाऊंगा नम। मतलब वही वेरिएबल्स बना रहा हूँ जो मैंने नाम रखे थे अपने लाइब्रेरी डॉट जे एस वाली फाइल के अंदर। और फिर इज इक्वल और यहाँ पे रिक्वायर का कीवर्ड यूज करूंगा मैं और इसके अंदर मैं अपनी यही वाला पाथ, कौन सा पाथ, ये जो हमारे पास लाइब्रेरी डॉट जे एस था, ठीक है, ये यहाँ पे मैं इस तरह से पास कर दूंगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग, कि भाई देखो हमारी जो इस फाइल से डेटा आ रहा था, फेच हो रहा था, उसको मैंने इन वेरिएबल्स के अंदर डीस्ट्रक्चर कर लिया। तो अब मैं क्या करूं, डायरेक्ट इन वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबके शुरू में जो लिब लिखा हुआ है ना, मैंने लिब डॉट, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, सही है। तो देखो इन तीनों वेरिएबल्स को समझ लो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने कंसोल डॉट लॉग में क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। अब ये जो ऐड और सब्ट्रैक्ट है ये वेरिएबल्स नहीं है, ये फंक्शंस हैं, तो उनको मैं फंक्शंस की तरह यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब इस प्रोग्राम को दोबारा मैं रन करता हूँ, टर्मिनल में आते हैं, अप एरो की करते हैं और यहाँ पे ये जो कमांड आ रही है इसको एंटर करते हैं। तो ये देखो अभी भी बिल्कुल सही तरह से आपके पास रिजल्ट आ रहा है। तो मतलब आप डीस्ट्रक्चरिंग सिंटैक्स को यूज करके भी, मतलब रिक्वायर के साथ आप इसको भी यूज करके क्या कर सकते हो, डेटा फेच करवा सकते हो। फिर आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो इम्पोर्ट अ मॉड्यूल फ्रॉम अ डायरेक्टरी, मतलब ये जो हमने मॉड्यूल बनाया है, लाइब्रेरी डॉट जे एस वाली फाइल बनाई थी, अगर ये हमारे पास किसी एक इंटरनल फोल्डर के अंदर होती तो तब हम उसको किस तरह से कॉल करेंगे। मतलब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इनसाइड द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, मतलब ये जो हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है, क्रिएट अ डायरेक्टरी मैथ्स एंड मूव द लाइब्रेरी डॉट जे एस फाइल इन टू इट। मतलब यहाँ पे देखो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जो आपकी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है, मतलब जो फोल्डर है मेन फोल्डर, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी बनाओ, मतलब एक और फोल्डर बनाओ किस नाम से, मैथ्स, और ये वाली जो फाइल है ना लाइब्रेरी डॉट जी एस, इसको आप अपने मैथ्स के फोल्डर में ट्रांसफर करो। और फिर आप इस फाइल को किस तरह से रिक्वायर के साथ यूज करोगे वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसकी एक पिक्चर भी दिखा रहा है, देखो मेन डॉट जी एस है ना,
अब आपने क्या करना है, एक डायरेक्टरी बनानी है मैथ्स, उसके अंदर ये लाइब्रेरी डॉट जी एस वाली फाइल आपने रखनी है। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, नोट जे एस प्रोजेक्ट्स के नाम से जो डायरेक्टरी है, फोल्डर है, इसके अंदर देखो मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ। न्यू फोल्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ मैथ्स। ठीक है, एंटर करते हैं तो देखो ये फोल्डर बन गया, और ये वाली जो फाइल है लाइब्रेरी डॉट जी एस, इसको मैं उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ, इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने फोल्डर के अंदर डालने की कोशिश की तो यहाँ पे देखो हमसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि क्या वाकई आप ऐसा करना चाह रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ हाँ करना चाह रहा हूँ, मूव के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखो एक और हमारे पास क्या आ रहा है, एक पॉपअप आ रहा है वीएस कोड के अंदर, और ये क्या कह रहा है, अपडेट इम्पोर्ट्स फॉर लाइब्रेरी डॉट जी एस। इसका मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि आपने इस फाइल को इम्पोर्ट किया हुआ है। कैसे इम्पोर्ट किया हुआ है, रिक्वायर की मदद से। तो क्या आप इसका पाथ भी चेंज करना चाह रहे हो, अपडेट करना चाह रहे हो? तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। तो देखना जैसे यस करूंगा तो अब देखो इसका पाथ भी चेंज हो गया, मतलब पहले इसके अंदर सिर्फ लाइब्रेरी था, लेकिन अब ये जो लाइब्रेरी वाली फाइल है ये मैथ्स की डायरेक्टरी के अंदर है, मैथ्स के फोल्डर के अंदर है। तो इस तरह से आप डायरेक्टरी के अंदर से अपना मॉड्यूल, अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल रिक्वायर की मदद से इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, और दोबारा इसको रन करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके एंटर करते हैं तो ये देखो अभी बिल्कुल सही तरह से रिजल्ट आ रहा है। हालांकि अब जो हमारी ये लाइब्रेरी डॉट जे एस वाली फाइल है उसकी लोकेशन, उसका पाथ चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने बिल्कुल सही पाथ दिया है, तो बिल्कुल सही तरह से हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो लेक्चर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको एक यहाँ पे टिप देना चाह रहा हूँ, और वो टिप क्या है देखो, क्या कह रहा है, शॉर्टकट की टू ब्यूटीफाई योर कोड इन वीएस कोड। भाई आप सबको पता है कि खूबसूरत लगना, खूबसूरत दिखना तो सबको अच्छा लगता है, तो क्यों ना जो हमारा वीएस कोड का जो कोड होता है उसको भी खूबसूरत किया जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि एक शॉर्टकट की है ताकि आपका कोड क्या हो जाए, ब्यूटीफाई हो जाए, खूबसूरत हो जाए, मतलब प्रॉपर उसकी अलाइनमेंट सेट हो जाए। तो उसके लिए शॉर्टकट है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, शिफ्ट अल्ट प्लस एफ, मतलब आप ये शॉर्टकट प्रेस करो आपका कोड क्या हो जाएगा, ब्यूटीफाई हो जाएगा। किस तरह से, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो देखो ये जो मेरा लाइब्रेरी डॉट जेएस का कोड है इसको मैं थोड़ा सा बदसूरत बनाता हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इसको स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखो मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे इस तरह से इसको कर देते हैं, टैप टैप कर देता हूँ। ठीक है, मतलब देखो थोड़ा सा मैंने इसको अगली कर दिया। तो अब आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, फॉर्मेट मतलब ब्यूटीफाई डॉक्यूमेंट। तो देखो यही वाली शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी जो यहाँ पे शो हो रही है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो दोबारा हमारा सारा कोड सेट हो गया, मतलब प्रॉपर उसने उसकी कोडिंग की अलाइनमेंट यहाँ पे सेट कर दी, लेकिन ये ऊपर नहीं आया इसका क्लोजिंग, इसको हम खुद से ऊपर कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो टैब्स होते हैं, इंडेंटेशंस वगैरह होती हैं, उसको ये कमांड क्या कर देगा, सेट कर देगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी टिप थी। अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, असाइनमेंट। भाई देखो जब हमने ये लेक्चर सीरीज शुरू की थी तो इसके शुरू में मैंने आपको बताया था कि हर लेक्चर के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस नोट जेएस की बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। तो असाइनमेंट क्या है आज का, असाइनमेंट इसी लेक्चर से रिलेटेड है, और वो क्या है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विथ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स इन लाइब्रेरी डॉट जी एस फाइल। मतलब आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज भी होंगे, मेथड्स भी होंगे, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाना है, हमारी जो लिब डॉट जी एस लाइब्रेरी डॉट जी एस वाली फाइल थी उसके अंदर। और फिर आपने क्या करना है कि वो जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, मेथड्स हैं, उनको आपने कहाँ पे कॉल करना है, मेन डॉट जी एस के अंदर कॉल करना है। भाई देखो आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको फंक्शंस और वेरिएबल्स को इंपोर्ट करना सिखाया है, मैंने ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं की। ये आपका असाइनमेंट है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सबने ऑब्जेक्ट बनाना तो सीखा होगा, अगर नहीं सीखा तो वहाँ पे जाके देखो कि किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, और फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड्स बनाओ, और फिर उस प्रॉपर्टीज और मेथड्स को दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, मतलब दूसरे मॉड्यूल के अंदर यूज करके दिखाओ। तो जब ये असाइनमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाए तो आपने कमेंट में डन लाजमी लिखना है, तो इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई जो मेरे व्यूअर्स ये लेक्चर सीरीज वॉच कर रहे हैं वो साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिलेगा तभी मैं इस लेक्चर सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगा, अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं इस लेक्चर सीरीज को यहीं पे बंद कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस नोट जेएस के अंदर मैं इस लेक्चर सीरीज के अंदर लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।